लाल कार्ड में तो नहीं आ रहा, 3 दिन लगातार कहीं आते हैं नोटिस भी लाल कार्ड। ये हैं कड़क मिजाज वाले के पाठक। जब से बिहार के शिक्षा व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी ली है, तब से लगातार देखिए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। या यूं कहें, जब से अपर मुख्य सचिव बने हैं शिक्षा विभाग के, तब से लगातार शिक्षा में जो धांधली थी, शिक्षा व्यवस्था में जो व्यवधान था, शिक्षा व्यवस्था जो बेपटरी थी, उनको पटरी पर लाने के लिए लगातार दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। और ये किसी से भिड़ते तो किसी से लड़ते हुए नज़र आते हैं शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या फिर दूसरे विभाग के जो अध्यक्ष हो। बीपीएससी के अध्यक्ष से बीते दिनों इन्होंने पत्र के द्वारा, पत्रचार के द्वारा भिड़ गए थे और अपने शिक्षकों को अदर जो अलग अलग कार्यों में शिक्षक को लगाया जाता है वो कार्य ना कराया जाए, इसको लेकर के भी ये लगातार देखिए कार्रवाई करने के मूड में रहते हैं। तो अब चलते हैं शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने की ओर। ऐसे में लगातार देखिए के पाठक कड़क मिजाज के ऑफिसर तो हैं ही और सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी माने जाते हैं, इसीलिए इनको शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। के पाठक लगातार स्कूलों का निरीक्षण करते हैं, औचक निरीक्षण करके वहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं उनको कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं या खुद कार्रवाई करते हैं। अगर कहीं पर गलती नज़र आती है, कहीं पर कुव्यवस्था नज़र आती है, तो तुरंत प्रिंसिपल को, टीचर को फटकार लगाते हुए नज़र आते हैं। फिर से एक मामला नज़र आया है जहां पर के पाठक औचक निरीक्षण करने के लिए गए हैं, जहां पर लगातार प्रयास के बावजूद भी बच्चे नहीं पहुँच रहे हैं, तो उन बच्चों का नाम काटने को लेकर के प्रिंसिपल से कह रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने निर्देश दिया है जो बच्चे 3 दिन से ज़्यादा एब्सेंट रहे स्कूल से उनका नाम काट दिया जाए स्कूल से, क्योंकि जिस तरीके से के पाठक लगातार टीचर पर नज़र रख रहे हैं, साथ ही साथ व्यवस्थाओं पर भी नज़र रख रहे हैं और टीचर को बार बार रेगुलर स्कूल आने के लिए कहते हैं और कड़ाई से पेश भी आते हैं, ऐसे में फिर भी बच्चे स्कूल ना आए तो एक सोचने वाली बात हो जाती है और एक सवाल या निशान लग जाता है, बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में के पाठक ने साफ तौर पर निर्देश दिया है जो बच्चे 3 दिन से ज़्यादा स्कूल में एब्सेंट रहते हैं, या तो वो कहीं और पढ़ रहे हैं या फिर सरकारी लाभ लेने के लिए उन्होंने 2 जगह नाम लिखाया है, ऐसे बच्चों का नामांकन 3 दिन एब्सेंट रहने पर काट दिया जाए। तो साफ तौर पर सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं के पाठक। लाल कार्ड में तो नहीं आ रहा, 3 दिन लगातार कहीं आते हैं नोटिस भी नहीं आ रहा। तीनों साल तो बच्चे इतना बुलाने पे भी नहीं आ रहे उनका लाल कार्ड। दो ही कारण होगा, या तो डीबीटी के लिए जो हो जाता है ना, लास्ट 3 आप कह रहे बच्चे